भाई इसको खाने का आना पड़ेगा, ये बताओ। सर इधर आ जाओ, मेरा स्पेशल बड़ा पाव लेने वाला है, ये 30 रुपीज का, मात्र 30 रुपए का। इस टाइम हम फरीदाबाद के अंदर और भाई यहाँ पर बेच रहे हैं एक भाई वड़ा पाव। तो भैया से बात, भैया क्या बना रहे हो यहाँ पर? सर खड़ा पाव बेच रहा हूँ। नहीं नहीं सर, बड़ा पाव। अच्छा वड़ा पाव बेच रहे हो। अच्छा फरीदाबाद में भी शुरू कर दिया आपने? सर मैं 2 साल से बना रहा हूँ। अच्छा पिछले 2 साल से बना रहे हो, वायरल अब हो रहा है वड़ा पाव है। पहले से सेल में फर्क आया बहुत? अच्छा जी, मैं 300 का धंधा करता था, आज 5000 की धंधा करने। अच्छा जी क्या बात है, मतलब वड़ा पाव ट्रेंड में आ रहा है आजकल, है हर जगह, दिल्ली से उड़ती उड़ती हवा आ गई यहाँ पर भी है। सर स्टार्टिंग में आया तो सब लोग बोलते थे क्या चीज है भाई, मैंने कहा वड़ा पाव। अच्छा तो लोग बोलते थे, हंसते थे, कहते थे वड़ा पाव वो क्या चीज है। अच्छा मैंने यहाँ सबको जागरूक करा धीरे। और ये कौन से स्टाइल में वड़ा पाव बना रहे हो, मुंबई वाले स्टाइल में क्या, फरीदाबाद का अपना स्टाइल? स्टाइल में बना, क्या क्या डाल रहे हो थोड़ा बताते जाओ। ये सर हरी सॉस लगा दिया, अब सूखा मसाला डाल रहा हूँ, घाटी मसाला बोलते हैं इसे। कौन सा मसाला? घाटी मसाला। घाटी मसाला कहाँ से, घाट से लाते हो? नहीं सर घर पे बनाते हैं, घाट से नहीं लाते। अच्छा हाँ, एक रेसिपी के लिए मैंने थोड़ा बेसन का डाल दिया बूंदी। अच्छा अभी बड़ा डाल के रेडी कर दिया, इसमें डबल फ्राई। और ये कितने रुपए का है वड़ा पाव ये बताओ? ये सर प्लेन वाला है 30 का। अच्छा और मक्खन वाला? मक्खन वाला 40 का है और चीज वाला 50 का है। ओके भाई ये कटिंग कर रहा हूँ, अब दिखाता हूँ बड़ा पाव कहाँ से बनता है, कैसे कैसे बनता है। तो भाई यहाँ पे भाई दिखा रहा है। सर मैं बटर वाला बना रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले बटर वाला बना रहे भैया? सर बटर वाले की सेलिंग ज्यादा हो। अच्छा क्या बात है, प्लेन वाला वैसे बहुत कम लोग खाते हैं। अच्छा टेस्ट ज्यादा इसी में आता है? टेस्ट इसमें आता है भाई, ड्राई किसी से नहीं खाया जाता है, इसका कलर क्या बात है, पूरा पक गया है। सर ये हरी वाली सॉस है। तो भाई सबसे पहले हरी वाली सॉस डाल दिया, इसमें सूखा मसाला डालेगा। कौन सा मसाला है? घाटी मसाला बोलते हैं इसे। घाटी मसाला जी, अभी बड़े लगेंगे इसमें। अच्छा जी बड़े डाल के अब रेडी हो गए, अभी फिर दोबारा भाई दोबारा ये तवे पे आ रहे हैं। अब बटर नहीं लगेगा सर। अच्छा अभी हो गया सर रेडी। ओके सर ये पाव ले लिया, इसमें मैंने लगा दिया, अब मिर्च रख दिया, अभी ग्रीन सॉस दे रहा हूं। ओके आपको रेड सॉस चाहिए तो रेड सॉस भी मिलती है। अच्छा अन्यथा अगर कोई नहीं मांगता है तो भाई ये रेडी हो चुका है हमारा, ये खड़ा पाव बड़ा पाव। अच्छा बड़ा पाव भाई, इसको खाने का आना पड़ेगा ये बताओ। सर इधर आ जाओ इधर। अरे क्या बात है, और ये बताओ एड्रेस क्या है वहाँ पे, तो मैं आ जाता हूँ। सर ये प्रिस्टिन मॉल के सामने, सेक्टर 31 फरीदाबाद। फरीदाबाद ओके।